तो हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहेंगे। तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स और इंस्टाग्राम पे काफ़ी मैसेज करके पूछ रहे थे कि जो इलाइट पास है क्या हमें डिस्काउंट में देखने को मिलेगा, और क्या इलाइट पास के आने के जो चांस हैं अभी भी हैं या फिर नहीं, तो हमें क्या करना चाहिए, इलाइट पास ले लेना चाहिए या फिर हमें थोड़ा वेट करना चाहिए। तो दोस्तों यार, आपके जो भी क्वेश्चन थे उनके आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। साथ ही दोस्तों, हमारे कुछ न्यू अपडेट्स भी निकल के आए हुए हैं और साथ ही कुछ अपकमिंग इवेंट्स की न्यूज भी आई हुई है जो कि आपको इसी महीने देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों यार, कौन कौन से इवेंट हैं जो आपको इस महीने यानी कि अक्टूबर के लास्ट वीक में देखने को मिल सकते हैं, तो उनके बारे में दोस्तों हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, यार ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पर वीडियो स्टार्ट करने से दोस्तों, आप सबसे एक छोटी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही दोस्तों, आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करिए। तो दोस्तों, जैसे कुछ टाइम पहले अपने इंडियन सर्वर में यूनिकॉर्न एके का जो इनक्यूबेटर था वो दोबारा दिया गया था यानी कि रिटर्न दिया गया था, ठीक वैसे ही ब्राज़ील सर्वर के अंदर ये जो बनी वाला इनक्यूबेटर है यहाँ पे वापस दे दिया गया है। तो दोस्तों, हो सकता है कि आपको इंडियन सर्वर के अंदर भी ये जो बनी वाला इनक्यूबेटर है दोबारा से देखने को मिल जाए, या फिर इसके बदले आपको पोकर MP40 या फिर टाइटन स्कार का इनक्यूबेटर भी देखने को मिल सकता है। क्योंकि दोस्तों, अभी फ्री फायर के अंदर ऐसा हो रहा है कि फ्री फायर के जितने भी सर्वर हमारे वर्ल्ड में हैं वहाँ पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई इनक्यूबेटर को दोबारा दिया जा रहा है। जैसे अभी ब्राज़ील सर्वर में बनी वाला इनक्यूबेटर दिया गया है, वैसे ही अभी थोड़ी दिन पहले यहाँ पे हमारे मैक्सिको सर्वर में जो गैलेक्सी वाला इनक्यूबेटर था वहाँ पे दोबारा से दिया गया था। साथ ही एक या दो दिन पहले वहाँ पे जो हमारा इंडोनेशिया सर्वर था वहाँ पर भी एक जो हमारा पुराना इनक्यूबेटर था उसको दिया गया था। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पे मेरे को लगता है कि जो गरीना की सेल है वो थोड़ी कम हो रही है, तो इसलिए जो पुराने आइटम है इसको दोबारा दिए जा रहे हैं। तो हो सकता है कि आपको इंडियन सर्वर के अंदर भी कोई ना कोई पुराना इनक्यूबेटर दोबारा से देखने को मिल जाए, क्योंकि दोस्तों इसकी काफ़ी ज़्यादा जो है लीक निकल के आ रही है। लेकिन अभी इसकी कोई कन्फर्म न्यूज़ तो नहीं है, लेकिन हाँ, लीक के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि आपको नवंबर मंथ में कोई ना कोई पुराना इनक्यूबेटर जो है वो दोबारा देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, अभी हम बात करते हैं हमारे गेम में आने वाले एक अपकमिंग इवेंट के रिगार्डिंग, जिसका नाम होने वाला है द इंडलेस। तो दोस्तों, द इंडलेस नाम से आपको एक इवेंट देखने को मिलेगा जिसके अंदर हमारी जो आल्टीवारा की जो कॉस्ट्यूम है, एक ब्लैक कलर की और एक वाइट कलर की। तो ब्लैक कलर का जो ट्रेलर है मैंने आपको पहले दिखाया था, और वाइट कलर की जो कॉस्ट्यूम थी उसके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो दोस्तों, ये दोनों कॉस्ट्यूम आपको एक साथ एक इवेंट के अंदर देखने को मिलेंगी। तो अभी ये इवेंट दोस्तों ब्राज़ील के सर्वर में आया हुआ है। तो दोस्तों, अगले हफ्ते आपको इंडियन सर्वर के अंदर ये जो इवेंट है वो देखने को मिल जाएगा, और इस इवेंट में दोस्तों आपको अच्छे खासे जो है वो डायमंड वेस्ट करने पड़ेंगे। तो दोस्तों, ये जो दो कॉस्ट्यूम है वहाँ ब्राज़ील सर्वर में कुछ इस टाइप के इवेंट में आई हुई हैं। तो इवेंट थोड़ा अजीब सा है, मेरे को भी समझ में नहीं आया कि इसमें करना क्या है, लेकिन हाँ, देख के लग रहा है कि यहाँ पर डायमंड बहुत ज़्यादा लगने वाले हैं। तो ये दोनों कॉस्ट्यूम दोस्तों आपको देखने को मिल जाएंगे, और कॉस्ट्यूम आप यहाँ पे देख सकते हैं इस टाइप की जो ब्लैक कलर की कॉस्ट्यूम है, कॉस्ट्यूम भी काफ़ी ठीक ठाक है। साथ ही वाइट कलर की कॉस्ट्यूम के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था। तो अगले हफ्ते दोस्तों ये इवेंट आपको देखने को मिल जाएगा, और इस इवेंट का नाम होने वाला है द इंडलेस। तो दोस्तों, अभी हम बात करते हैं हमारे अगले अपडेट के बारे में। तो अगला अपडेट हमारे बुइया की कॉस्ट्यूम के रिगार्डिंग होने वाला है। तो आपको पता होगा कि जो हमारी बुइया की फीमेल कॉस्ट्यूम है वो तो हमें फ्री में दे दी गई है, लेकिन अभी तक जो मेल कॉस्ट्यूम है वो हमें गेम में देखने को नहीं मिली है। तो आप में से बहुत सारे लोग मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि ये जो कॉस्ट्यूम है हमें कब तक गेम में देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, ये वाली जो कॉस्ट्यूम है आपको इस हफ्ते हमारे गेम में देखने को मिल जाएगी। तो हो सकता है कि शुक्रवार के दिन आपको ये देखने को मिल जाएगी, क्योंकि शुक्रवार के दिन काफ़ी सारे इवेंट हमारे गेम में आते हैं। तो दोस्तों, इस हफ्ते में तो आपको देखने को मिल जाएगी। और इसके बारे में जो हमारा वेब इवेंट है यानी कि जो हमारा वीकली कैलेंडर होता है, उस कैलेंडर में बताया गया कि वेब इवेंट के अंदर ये जो कॉस्ट्यूम है सभी सर्वर में दी जाएगी। तो दोस्तों, जो हमारा अक्टूबर का इलाइट पास था वो हमारे किसी भी सर्वर के अंदर अभी तक डिस्काउंट में नहीं दिया गया था, लेकिन दोस्तों आज हमारे ब्राज़ील के सर्वर के अंदर एक इवेंट आया हुआ है जिसके अंदर जो इलाइट पास है उसको डिस्काउंट में दे दिया गया है। तो दोस्तों, अब हो सकता है कि अगर एक सर्वर में इलाइट पास में डिस्काउंट दिया है तो आपको और सर्वर में देखने को मिले, और यानी कि आपको इंडियन सर्वर के अंदर भी देखने को मिल जाए। तो ये जो इवेंट है दोस्तों, फूड ट्रक इवेंट करके कुछ इवेंट आया हुआ है, तो ये वाला जो इवेंट है दोस्तों आपको इंडियन सर्वर के अंदर भी देखने को मिल सकता है। लेकिन मैं इसके बारे में बिल्कुल ही कन्फर्म नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे इलाइट पास की जो बात कर रहा हूँ कि आपको जो इलाइट पास है वो डिस्काउंट में देखने को नहीं मिलेगा या फिर मिलेगा,
तो दोस्तों अब मुझे लगता है कि आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी तक हमारे किसी भी सर्वर में डिस्काउंट नहीं दिया था, लेकिन अब हमारे एक सर्वर में दे दिया गया है, तो आप बाकी सर्वर में गरीना ने देना चाहिए। लेकिन गरीना वालों का कोई भरोसा नहीं है, ये आपको पता है, और इंडियन सर्वर के साथ तो खास तौर पर। लेकिन यार अब जो भी है वो हमें आगे ही पता चलेगा कि डिस्काउंट आता है या फिर नहीं आता है। लेकिन दोस्तों अगर डिस्काउंट आता है तो इंडियन सर्वर में हमेशा जो डिस्काउंट आपको देखने को मिलता है वो या तो 24 या फिर 25 तारीख को देखने को मिलेगा। तो अभी देखने वाली बात होगी कि आता है या फिर नहीं आता है, लेकिन यहाँ पे जो है वो आना चाहिए। तो जो लोग मुझसे ये क्वेश्चन कर रहे थे कि जो इलाइट पास है क्या हमें डिस्काउंट में देखने को मिलेगा या फिर नहीं, और क्या इलाइट पास हमें ले लेना चाहिए या फिर थोड़ा वेट करना चाहिए, तो देखो दोस्तों ऐसा है कि अभी एक सर्वर में डिस्काउंट दे दिया है तो यहाँ पे चांस जो है वो और ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो अभी मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप इलाइट पास आज लेते हैं या फिर 24 के बाद लेते हैं तो बात एक ही है। तो मेरे ख्याल से दोस्तों आप 24 या 23 तक रुक जाइए, क्योंकि हो सकता है कि आपको डिस्काउंट देखने को मिल जाए, क्योंकि अभी एक सर्वर में आ गया है तो दूसरे सर्वर में आने के चांस भी बनते हैं। तो यार अभी आप इलाइट पास मत लीजिए, थोड़ा और वेट कर लीजिए। तो अभी दोस्तों वीडियो में इतना ही, और जो हमारा Q&A है वो अभी भी चल रहा है, तो आप जाके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और आपके क्वेश्चन के जो भी आंसर है मैं आपको 3 या 4 दिन बाद दे दूंगा। क्योंकि दोस्तों हो सकता है कि कल और परसों में वीडियो नहीं बनाऊँ, क्योंकि कल और परसों मेरा एग्जाम है, तो आपको आंसर मिल जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अभी वीडियो में इतना ही, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और यार कीप सपोर्ट।